नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 12 की जो बुक चल रही है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग दो और उसका पाठ नंबर 3 चल रहा है भारत के विकास की यात्रा सन 2004 से 2014। इसको अब तक हम 5 पार्टों में पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे और उससे पहले की वीडियो भी नहीं देखी, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो टावरों, आज आप अध्याय नंबर 3 देखेंगा, भारतीय शिक्षा अधिनियम को अध्याय नंबर 3 में किया है। तो देखो, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता करते हुए, यानी सरकार को के काम हो, अधिकारियों के काम हो और माँ बाप को के कर्तव्य हुए वो देखो। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने कर्तव्य, यानी सरकार और अधिकारी विद्यालय स्थापित करने का के कर्तव्य हुए वह सुनो। इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर जहां विहित की जाए, जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित न हो, एक विद्यालय स्थापित करेंगे। यानी और नियम के अधिनियम लागू होने गए 3 साल के माइन मान जो सरकार है या अधिकारी है वह आपके आसपास के क्षेत्र में इसी सीमाओं के भीतर जैठे कोई स्कूल न वह बैठे एक स्कूल बनाओगा। वित्तीय या अन्य दायित्वों में से बांटना, यानी पिछड़ा और अन्य जो दायित्व है वह क्या बांटे जा। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए सीमावर्ती उत्तरदायित्व होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट है, बा आ अधिनियम के उपबंध के अंग क्रियान्वित यानी अन्य काम में लेने खातिर फंड देगी यानी पिस्सा देगी और उत्तरदायित्व भी होगा। अब देखो, केंद्रीय सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानकों को विकसित करो और लागू करे, यानी मास्टर एंड ट्रेनिंग देने भी अलग अलग जो मानक बढ़ाओगी। नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान नियोजन क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध रहे, यानी नवाचार यानी नई क्या चीज़ें सिखानी है, क्या प्रयोग करना है, क्या नियोजन क्षमता निर्माण आसने के लिए राज्य सरकार ने वह तकनीकी और संसाधन उपलब्ध भी कराओगी। समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं। समुचित सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी प्रत्येक टाबर ने फ्री और जरूरी शिक्षा, जरूरी 5वीं 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराओ। स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी का क्या काम है। पहला, प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, यानी प्रत्येक टाबर ने फ्री और जरूरी 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराओ। दूसरा, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराए, यानी आसपास में कोई स्कूल है कोनी आप ये बात पता लगा लो। यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से रोका गया ना हो, यानी कि कोई गरीब और कोटाबर है या सुविधा का भाव को नहीं बिंग प्रति पक्षपात न हो और वो भी ध्यान रखना है कि बिन स्कूल में पढ़े न हो रोक के तो न गए। अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक आयु के बालकों के ऐसी रीति में जो विहित की जाए अभिलेख रखेगा, यानी आपके अधिकारी यानी जो जट है वो जी एरिए को वो अधिकारी है बींगी का 14 साल का टावरांग है मायने स्कूल जा रहा है कौन नहीं जा रहा बींगी वो रिकॉर्ड रखेगा। अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रवेश उपस्थिति और उसे पूरा करने की सुनिश्चित निगरानी करेगा, यानी आपके क्षेत्र में जितना भी टावर है वह स्कूल में प्रवेश लिए कौन लिए हाजिरी और बन पूरा कराने की बींगी ही गारंटी होगी और वो कभी भी जाके स्कूल में चेक कर सकें। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन शिक्षण कर्मचारी वंद यानी टीचिंग स्टाफ और शिक्षक उपस्कर्ण यानी लर्निंग इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगा, यानी स्कूल को भवन है कोनी टीचिंग स्टाफ है कोनी उपकरण है कोनी आ चीज़ों की भी बिंगी जिम्मेदारी होगी। मानक और मानदंड के अंदर प्राथमिक शिक्षा अच्छे गुणों सुनिश्चित करेगा, यानी कि जो मानक और मानदंड जो मतलब नियम बनाए हैं बाकी तरफ अच्छी प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही बिंगी भी वो सुनिश्चित करे। वो प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित कराना सुनिश्चित हो, यानी कि आप जो सिलेबस लगा रखे हैं वो किसियों का है बिंगी भी वो पुष्टि करे। वो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण सुविधा पर मास्टर के लिए टीचिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था वो करे। वो प्रवासी कुटुंबों के बालकों प्रवेश सुनिश्चित करे, यानी ईशा निवासी जो भट्ठू माइग्रेट यानी भट्ठू छोड़ गए लेकिन बंग बालकों की प्रवेश सुनिश्चित वो करे। वो प्रवासी कुटुंब मतलब जहाँ टाप बारह रह रहे कमांड भी और वहाँ टाबर अट्ठे तो वहाँ प्रवेश को सुनिश्चित करे। वो अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय कार्यों की निगरानी रखेगा, आपके अधिकारिता यानी आपके क्षेत्र में जितना भी स्कूल है वहाँ ये निगरानी रखेगा। शैक्षिक कैलेंडर का भी निश्चय करेगा, यानी जो शिक्षा को कैलेंडर बनाए वो भी वो बनाओगे।
फिर है माता पिता और संरक्षक, यानी माँ बाप को और या संरक्षक अभिभावक को के कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता संरक्षक कर्तव्य होगी वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा में अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश करवाए, यानी टाबरा के माँ बाप ने टाबर ने स्कूल में ले जाके एडमिशन करवाना है। समुचित सरकार द्वारा विद्यालय प्रवेश शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से ऊपर के बालक को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब 6 वर्ष की आयु पूरी करते हैं आरंभिक बाल्यकालीन देखरेख और शिक्षा व्यवस्था करने दृष्टि समुचित सरकार ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय एवं पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था करें। यानी प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं तक के टाबरान 3 सालों ऊपर का टाबर ने तैयार करना और वह सारा जो टाबर है बाकी 6 साल की उम्र पूरी हो जाए तो वहाँ बाल्यावस्था देख रेख करनी, वहाँ शिक्षा व्यवस्था करनी, आ सारी जिम्मेदारी समुचित सरकार की होगी। चौथा अध्याय है देखो स्कूल और मास्टर का क्या क्या कर्तव्य है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उत्तर विद्यालय के उत्तरदायित्व, यानी फ्री और जरूरी शिक्षा के लिए स्कूल के उत्तरदायित्व समय। धारा 2 के खंड ढह के उपखंड विनिर्देश कोई विद्यालय उसमें प्रवेश सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है। यानी कोई भी स्कूल है भी हमारी जितना टाबर प्रवेश ले लियो बंग कि फ्री और जरूरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्कूल करेगा। धारा 2 के खंड डे के उपखंड 3 के उपखंड 4 में विनिर्देश कोई विद्यालय पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या कम से कम 25% सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूरे होने तक व्यवस्था करेगा। यानी पहली क्लास में कोई भी गरीब घर को टाबर है असुविधाग्रस्त टाबर है तो भी जो कक्षा की स्कूल संख्या कितना टाबर है बाकी 25% यानी 25% सीमा तक बाँ टाबरों को प्रवेश होगा और बाकी व्यवस्था स्कूल देखेगी। प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो यथास्थिति समुचित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी उपेक्षित उपलब्ध कराए, यानी स्कूल करने ऐसी कोई जानकारी जो सरकार मांगा है या अधिकारी मांगा है तो बाने देनी। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वेक्षण प्रक्रिया न होना, यानी टाबरा की कोई भी प्रकार की फीस कौन लगाए। कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक के प्रवेश में कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा, यानी कोई प्रकार की फीस कौन लेवे। बालक या उसके माता पिता या संरक्षक की किसी अन्वेक्षण प्रक्रिया अधीन नहीं होगी, यानी कोई भी टेस्ट वगैरह भी कौन हुए। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण, यानी प्रवेश के लिए के कितना साल को टाबर है आवे देखी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए अवधारित किया जाए। यानी अगर प्राथमिक शिक्षा में 5वीं तक का या 8वीं तक का जो टाबर है बाकी बालक की आयु या तो जन्म प्रमाण पत्र वहीं पर या कोई डॉक्यूमेंट जिन पर लिखे ऐसे दस्तावेज आधार हुए या आधार या जटे जमीन पर डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए कि भाई आएंगे जन्मतिथि है बाबी ने मानी जाएगी। किसी बालक को आयु के सबूत नहीं होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश इनकार नहीं किया जाए। यानी अगर आना हुआ कहीं मतलब जन्म प्रमाण पत्र को नहीं या आयु को कोई सबूत को नहीं तो इन्हें टाबर ने प्रवेश देना कौन रोके जावे। प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना, किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की गई है किसी विद्यालय में प्रवेश किया जाएगा। यानी कोई भी बालक है वो शैक्षणिक वर्ष में यानी पूरी साल में कभी भी प्रारंभ में या बीच में भी कभी भी एडमिशन ले सकता है स्कूल में प्रवेश देने में। रोकने या निष्कासन का प्रतिरोध, किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा को पूरे किए जाने तक निष्कासन नहीं है। यानी कोई भी टाबर प्रविष्ट बालक है अभी कक्षा में जाना रोके कौन जा किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होने तक बिना थे कार्ड भी कौन सको। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध, किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं आता तो नया थे तो टाबर थप्पड़ मार सको या थेरेपी का डंडा उठा सको नए विंग बेइज्जती कर सको। जो कोई इन उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति लागू सेवा नियम के अनुसार से कार्रवाई करेगा। यानी अगर कोई मास्टर इसी प्रकार काम करेगा तो बिना सजा होगी। मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित नहीं किया जाना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्व अधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात स्थापित नहीं किया जाएगा या ऐसे प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्रेत के बिना कार्य नहीं करेगा। यानी कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्रमाण पत्र का नहीं चल रहा। विद्यालय के मानदंड और मानक, किसी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची 1 में विनिर्देश मानदंड और मानक पूरा नहीं। यानी कोई भी स्कूल जब तक मान्यता कौन दी जाएगा जब तक वो अनुसूची 1 में जो जितना भी नियम दिए गए मानक पूरा कौन करे। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़कर या इसका लॉ पर किया किसी मानदंड मानक संशोधित रहे। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह कोई सूचना देगी
या अनुसूची में जोड़ गए या इन्हें हटा गए या मानदंड या मानक में संशोधन कर सके हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय माता पिता संरक्षक शिक्षकों व निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा समिति गठन, यानी स्कूल टावरा माँ बाप बंग संरक्षक मास्टर और गांव का बड़ा बुजुर्ग द्वारा एक कमेटी बनाई जाए। समिति विद्यालय विकास योजना तैयार कर विद्यालय का सर्वांगीण किया, यानी आज जो समिति है जिनको नाम है SMC व विकास योजना तैयार करके विद्यालय को विकास करेगी। विद्यालय विकास योजना, प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, यानी वो जो भी समिति बनाई जाए वह विकास स्कूल के विकास की योजना करेगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवा के नियम शर्त है, यानी स्कूल मास्टर की नियुक्ति के लिए किस किस सेवा होगी, क्या क्या योग्यता होगी। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा यथकित ऐसी न्यूनतम अर्हता शिक्षा के रूप में नियुक्त हो, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी सूचना जारी करके और जो शिक्षा प्राधिकारी या कोई न्यूनतम अर्हताएँ जो है बिना टीचर नियुक्त करे जाओ। शिक्षक को संदेह यानी पेएबल वेतन और भत्ते और उसकी सेवा नियम शर्तें होंगी जो विहित की जाएगी, यानी मास्टर ने के पेमेंट भत्ता देना है वह सारा नियम के अंतर्गत होगा। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, यानी मास्टर के कर्तव्य और भंग दूर किया करे जाए, मतलब शिकायत किया दूर करे। विद्यालय में नियमित उपस्थित पाठ्यक्रम संचालित व पूरा करना, यानी पहले काम है स्कूल में डेली आनो पढ़ानो और टावरान पूरा पढ़ानो। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक, यानी माता माँ बाप और गार्जियनों के साथ बैठक करनी डेली। बालकों की प्रति और समझना और समझाना, यानी टाबर के प्रोग्रेस कर रहे समझना और माँ बाप ने समझाना। साथ ही शिकायतों दूर करना, यानी कोई शिकायत है तो इन्हें दूर करें। छात्र शिक्षक अनुपात, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास के भीतर समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची विभिन्न दृष्टि के अनुसार बनाए गए, यानी इन बाद में आप देखेगी कोई भी सरकार है और अधिकारी का प्रत्येक विद्यालय जो स्कूल है भी मास्टरांगी और टावरांगी संख्या जो अनुसूची में दी गई है भी अनुसार है। कोई शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, यानी मास्टर की कमी हुआ है तो क्या भरेगा। नियुक्ति प्राधिकारी है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है निश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10% से अधिक नहीं होगी, यानी कोई स्कूल में अगर मास्टर का पद अलॉट करेगा है यानी खाली पद है तो वह स्वीकृत पद यानी अलॉट करेगा पद 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैर शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध, किसी शिक्षक को दशकीय जनगणना आपदा राहत कर्तव्यों यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचन संबंधित कर्तव्यों से भी किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों नॉन एजुकेशन पर्पज के लिए अभिनियोजित नहीं किया, यानी टीचर ने जो है या तो जनगणना के या आपदा राहत कार्य के लिए या कोई चुनाव ड्यूटी के अलावा कोई भी अलग प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन का निषेध, कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्यक्रम में नहीं होगा, यानी कोई भी मास्टर है मास्टर नहीं है वह प्राइवेट ट्यूशन को नहीं दे सके। 5वां अध्याय देखो, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा कह देना। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया यानी जो सिलेबस है और जो परीक्षा है समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जैसे शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया, यानी जो शिक्षा अधिकारी है वो ही पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करेगा। परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, प्रत्येक बालक जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली ऐसे प्रारूप सीरीज में एक प्रमाण पत्र जैसे, यानी प्रत्येक बालक जो प्रारंभिक शिक्षा यानी आपकी 5वीं तक या 8वीं तक की शिक्षा पूरी कर ली पेपर दे दिया तो मैंने एक प्रमाण पत्र भी दिया जाओ। 6वां अध्याय, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, पहला बालक की शिक्षा का अधिकार को मॉनिटर करना, यानी राज्य बाल संरक्षण आयोग निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करे, यानी जो बाल शिक्षा अधिकार जो आयोग है वह कर्तव्यों का पालन करे। अधिकारों की रक्षा उपयोग परीक्षा और पुनरावलोकन करेगा उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, यानी जो अधिकारियों का जो अधिकारों का जो भी परीक्षा है वहाँ पुनर्वलीकरण प्रभावी कार्यान्वयन करेगा। अध्यूपों के सिफारिश करेगा यानी जो भी कोई सिफारिश करनी है करेगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार संबंधी प्रवेदन जांच करें, यानी अनिवार्य शिक्षा है फ्री शिक्षा है बिंगे जो भी कोई परिवादा है मतलब खुद कोई भी शिकायत है वहीं जाँच करेगा। उपबंधित आवश्यक उपयोग करें यानी जो भी आवश्यक उपयोग है वह करेगा। शिकायतों का निवारण करना, कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के दिन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है अधिकारिता रखने वाले स्थान पर अधिकारी को लिखित में शिकायत, यानी कोई व्यक्ति कोई आदमी जो इन अधिनियम के तहत कोई बालक के अधिकार का भी कोई कंप्लेन है शिकायत है तो वो इन जो स्थानीय अधिकारी है बिन लिखित में कंप्लेन दे सके। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात अधिकारी संबंधित पक्षकार को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले को 3 माह के भीतर निपटाया, यानी शिकायत अगर अधिकारी मिल गई तो जो शिकायत के लिए मैं उपक्ष सुने
और पूरी बात जानने के बाद 3 महीने में इनको निपटार करना है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, यानी केंद्र सरकार एक नोटिस निकाल के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 सदस्य नहीं उतने सदस्य होंगे, यानी उसमें 15 से ज़्यादा सदस्य नहीं उतने ही सदस्य होंगे जितने की केंद्र सरकार आवश्यक, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यक वित्त सदस्य होगा, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से किया जाए, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के मान जो ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखा है वहाँ की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंध के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कर्तव्य, यानी केंद्र सरकार जो अधिनियम का उपबंध में कोई भी कार्यान्वयन करेंगे को परामर्श और सलाह वोट देगा। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद गठन, यानी राज्य सरकार जो है एक अधिसूचना निकाल के एक राज्य सलाहकार परिषद बनाओगी जिसमें 15 से अनाधिक उतने सदस्य, यानी 15 में ज़्यादा सदस्य नहीं होगा और जो राज्य सरकार समझेगी और वह भी प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास में जानकारी रखने वाले होना चाहिए और बंग भी वही कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार ने कोई भी उपबंध प्रभावी परामर्श देने को बंग करे। 7वां और लास्ट अध्याय है प्रकीर्ण, निर्देश जारी करने की शक्ति, केंद्र सरकार यथाशक्ति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी, यानी जो सरकार केंद्र सरकार है वह समुचित सरकार के या प्राधिकारी है वहाँ का मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी। अभियनियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इससे नियमित प्राधिकरण किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थापित नहीं, यानी समुचित सरकार है कोई भी अधिसूचना है या नियमित प्राधिकारी है वो कोई अधिकारी की मंजूरी बिना स्थापित को नहीं हुआ। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या जान के लिए अति आश्रित किसी बात के समय में कोई विवाद या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय पर किसी व्यक्ति विरुद्ध नहीं होगी, यानी अगर कोई भी कार्रवाई सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई की जाए तो कोई भी प्रकार की कार्रवाई को नहीं हुई। समुचित सरकार के नियम बनाने सकते, समुचित सरकार अधिनियम के उपबंध कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा ये जो समुचित सरकार है वह नियम बनाने की शक्ति है वह अधिसूचना द्वारा बनाएगी। अब देखो अनुसूचित एरिया है, अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या, यानी इन अनुसूची में एक तो 5वीं तक का और 8वीं तक का जो टॉपर है और टॉपर और मास्टर की संख्या, विद्यालय भवन किसान होना चाहिए, विंगमान कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए, एक शैक्षणिक वर्ष में यानी एक साल में कोई कितना कार्य दिवस होना चाहिए, प्रति सप्ताह घंटा कितना होना चाहिए, अध्यापन जो सामग्री क्या होनी चाहिए, पुस्तकालय क्या होना चाहिए, खेल सामग्री क्या होनी चाहिए आदि द्वारा मूल्य क्रीड है। समाचार पत्रों के माध्यम से अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार कर जानकारी प्रदान करना, यानी समाचार अखबारों के माध्यम और जो अधिनियम बनाए हुए शिक्षा अधिनियम इनको प्रचार प्रसार करके जानकारी प्राप्त करना, जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजन करना, यानी जिला स्तर पर जो है कार्यशाला आयोजन करना, घर घर सर्वेक्षण के माध्यम समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना, यानी घरे घरे सर्वेक्षण करके समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करो, नए नामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, यानी जो नामांकित बच्चा को गरीबों के लिए विशेष ट्रेनिंग दो, इस अधिनियम के अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी जरूरी शिक्षा का मूल अधिकार क्रियान्वयन का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम को एक मील का पत्थर यानी एक मील को पत्थर मानने जाए जो देश की प्रारंभिक शिक्षा में जो देश की शुरुआत की शिक्षा में सार्वभौमिक सर्व जगह प्रादृश्य बदलने की क्षमता भी रखता है। इस अधिनियम में देश के 6 से 14 वर्ष के जो सारा टॉपर है वही गुणवत्ता पर औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित करना का अधिकार दिलावा है जिसके क्रियान्वित सुनिश्चित करने का दायित्व है सरकार को है, शिक्षकों को है और अभिभावकों को भी है। ठीक है दोस्तों, तो वो आज को वीडियो हो आ वो वीडियो थाना किसी को लागो थे हमारा कमेंट करके जरूर बताओगा और वीडियो थान चौको लागे तो वीडियो को लाइक कर दियो और शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो और चैनल नए सब्सक्राइब करे तो नीचे लाल अक्षरा में सब्सक्राइब लिख रहे हैं बिंग ऊपर दबाते हैं वो काला हो जाएगा और एक घंटी आ जाएगी भी घंटी दबा देगी और ठीक है। तो जय हिंद और जय भारत, शेष घरे रहो और स्वस्थ रहो।